बीजेपी एक राष्ट्र से जुड़ी पार्टी है। यह पार्टी महिलाओं को सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए ही मैं बीजेपी से जुड़ी हूँ। यह बात भारतीय जनता युवा मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य बबीता फोगाट ने शिमला में कही। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी और भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य बबीता फोगाट रविवार को शिमला पहुंची। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पार्टी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार होती है वहां वहां महिलाओं का अपमान होता है, इसलिए महिला सम्मान पर बात करने का कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से महिलाओं को टिकट दिया जाएगा क्योंकि बीजेपी महिलाओं को सम्मान देने वाली पार्टी है। बबीता फोगाट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से महिलाओं को भी टिकट दिया जाएगा क्योंकि बीजेपी महिलाओं को सम्मान देने वाली पार्टी है। ओलंपियन खिलाड़ी ने कहा कि खेलो इंडिया के तहत भविष्य में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ताकि भारत खेलों में भी विश्व में अग्रणी स्थान प्राप्त कर सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश के नेता महिलाओं के बारे में क्या सोच रखते हैं वह शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य के बयान से सिद्ध हो जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित प्रदेश राजस्थान में पिछले लगभग 4 वर्षों में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की संख्या में भारी इजाफा हुआ और कांग्रेस नेता दूसरे प्रदेशों में नारी सम्मान की बातें करते हुए घूम रहे हैं। कांग्रेस को मैं एक चीज उनका ध्यान में दिलाना चाहूंगी कि जब कोरोना के दौरान पूरा देश में हाहाकार मची हुई थी उस टाइम पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मजबूती के साथ उन लोगों से लड़के कोरोना से लड़ते हुए जूझते हुए भी पूरे परिवारों की हेल्प की और यहाँ तक कि हमारे 3-3 वैक्सीन आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि भारत देश के अंदर कि भारत देश खुद की अपनी वैक्सीन बना सकता है। इतने बड़ी बड़ी बीमारियां हमारे आए, हैजा की हो, मलेरिया की हो, कितनी भी बीमारियां आई लेकिन उसका आज तक किसी ने कोई इलाज नहीं ढूंढा। लेकिन सबसे पहले अगर कोरोना का किसी ने अगर कोरोना से हराने के लिए अगर वैक्सीन ढूंढी तो भारत देश ने ढूंढी थी और उसी का ही परिणाम है कि आज भारत देश स्वस्थ भी है और कोरोना से बहुत अच्छे से मजबूती के साथ लड़के आज जीत भी चुका है। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने तो शायद अभी भारतीय जनता पार्टी की पैरों पे चलना स्टार्ट किया है, नकल करने लगे हैं। नहीं तो हमने कहीं उनके, मुझे लगता है टिकट बंटवारा क्या उनके नाम पे ही, महिलाओं के नाम पे सिर्फ अभद्र भाषा हमने सुनाई दी है और महिलाओं के प्रति उनका कभी ध्यान ही नहीं गया। और बात मैं करूं कि अगर आप विकल्प की कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के आसपास भी कोई पार्टी यहां पे कोई दिखाई देती हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से जो है वो महिला को सर्वोच्च स्थान दिया है और आज तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने तो पंचायत और म्युनिसिपल वार्ड से लेकर के राष्ट्रपति पद तक जो है वो ट्राइबल एससी विमेन इनके जो है सशक्तिकरण का जो एक कार्य प्रारंभ किया है उसमें आज जो है वो पंचायती राज संस्थाएं हों, हमारी यूएलबीज हों, उनमें सब में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 50% रिप्रेजेंटेशन दिया गया और आज जो है वो देश की राष्ट्रपति भी एक ट्राइबल महिला जो है द्रौपदी मुर्मू के रूप में जो है वो विजयी हुई है। तो इस तरह से जो है वो महिलाओं का बहुत बड़ा जो है वो योगदान है। लेकिन इनके सशक्तिकरण के लिए जो है वो विभिन्न कार्य जो है करने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने महिलाओं को 50% जो है वो किराए में छूट दी है। इसी प्रकार से माननीय धूमा जी जब मुख्यमंत्री थे तो करवा चौथ की हो या हमारी जो है वो रक्षाबंधन की हो, वो छुट्टियां भी जो है वो उस समय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी हो और ऐसी अनेक सुविधाएं आज जो दी जा रही हैं। शगुन योजना के अंतर्गत जो है वो हमारी जो बेटी है उसका विवाह होता है, उसको विवाह होने पर जो है 31,000 का शगुन हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो है दिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये इस प्रकार की जो है वो जो हमारी महिलाएं हैं उनके सशक्तिकरण के लिए जो
केंद्र की सरकार प्रदेश सरकार ने जो है वो कार्य प्रारंभ किए हैं, उन्हीं का सब महिलाओं तक जो है वो बखान होना और साथ ही साथ जो है वो इस महिला शक्ति को जो है वो हम किस प्रकार से जो है पार्टी के साथ जोड़ सकते हैं, इसके लिए सारे प्रदेश में जो है वो 68 हमारे हर विधानसभा क्षेत्र में एक महिला सम्मेलन हो रहा है। आज ये महिला सम्मेलन शिमला मंडल के द्वारा जो है आयोजित किया गया है, शिमला जो विधानसभा क्षेत्र है, और इसकी मुख्य अतिथि हमारी जो है बहुत बड़ी गोल्ड मेडलिस्ट रही बबीता फोगाट जी हैं, जो रेसलिंग में जो है वो इंटरनेशनल लेवल की जो है वो रेसलर हैं और भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं। हमारी प्रदेश की अध्यक्षा श्रीमती रश्मि धर सूद मुख्य वक्ता के रूप में आज यहाँ पर विराजमान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।